एओजीएस की कार्यशाला संजय प्लेस स्थित होटल पीएल पैलेस में हुई। इसका विषय फीचर मॉनिटरिंग था। विशेषज्ञों ने अलग अलग बिंदुओं पर विचार रखे और साथ ही महिलाओं में बढ़ती डायबिटीज, ब्लड प्रेशर और पीसीओडी की समस्याएं गर्भस्थ शिशु के लिए हानिकारक होती हैं। सचिव डॉक्टर सविता त्यागी ने बताया कि गर्भवती महिलाओं में डायबिटीज और ब्लड प्रेशर एक बड़ी समस्या बनकर उभरी है। इन्हें नियंत्रित करना बेहद जरूरी है। वहीं पीसीओडी किशोरियों को चपेट में ले रहा है। आगरा ऑब्स्टेट्रिकल एंड गायनेकोलॉजिस्ट सोसाइटी की कार्यशाला संजय प्लेस स्थित होटल पीएल पैलेस में हुई। इसका विषय फीटल मॉनिटरिंग था। विशेषज्ञों ने अलग अलग बिंदुओं पर विचार रखे और साथ ही महिलाओं में बढ़ती डायबिटीज, ब्लड प्रेशर और पीसीओडी की समस्याएं गर्भवस्थ शिशु के लिए हानिकारक होती हैं। अध्यक्ष डॉक्टर आरती मनोज ने बताया कि प्रेग्नेंट होने के बाद शिशु की स्वास्थ्य स्थिति और किसी कॉम्प्लिकेशन के बारे में जानने के लिए कई तरह के टेस्ट किए जाते हैं, जिनमें से फीटल हार्ट मॉनिटरिंग भी है। वहीं कार्डियो टोकोग्राफी, एसटी टेस्ट, किक चार्ट के जरिए शिशु की सही स्थिति का पता लगाया जा सकता है। हम आगरा में एक वर्कशॉप करने जा रहे हैं जो कि फीटल मॉनिटरिंग वर्कशॉप है। इसका मतलब ये है कि जब भी आपका बच्चा, जब प्रेगनेंसी होती है पेशेंट को और बच्चा पेट में होता है, तो उसको पता करने के लिए, स्पेशली 7 मंथ्स के बाद उसको पता करने के लिए कि आपका बच्चा ठीक है या नहीं ठीक है, या आपको कोई हाई रिस्क प्रेगनेंसी है तो उसमें ये पता करने के लिए कि आगे हम कितने दिनों तक अपने बच्चे को ले जा सकते हैं बिना किसी हार्म के, उसके बारे में एक वर्कशॉप कर रहे हैं, जिसमें कि हमें ये पता लगता है कि हमारा बच्चा ठीक है या नहीं ठीक है, कब हमें बच्चे को बाहर निकालना है, मीन्स कि सिजेरियन करना है या नॉर्मल डिलीवरी करानी है। तो वो जो ये वर्कशॉप है वो हमें बताता है कि हमें बच्चे को कैसे देखना है। इस वर्कशॉप में हम लोग क्या करते हैं, एक मशीन आई है, आप लोग उसके बारे में जानते हैं या नहीं, मैं नहीं जानती। एक मशीन आती है जिसको कि हम बोलते हैं सीटीजी या कार्डियो टोकोग्राफी मशीन। पहले सत्र में हैदराबाद से आई डॉक्टर शैलजा देवी ने फीटल मॉनिटरिंग का महत्व बताया। कहा कि सीटीजी आमतौर पर गर्भावस्था की तीसरी तिमाही में कराया जाता है। ये एक सामान्य टेस्ट है जिसमें कोई दर्द नहीं होता और ना ही शरीर में अंदर कुछ डाला जाता है। ये जांच गर्भावस्था के दौरान शिशु की स्थिति जानने के लिए की जाती है। यह सत्र की अध्यक्षता डॉक्टर संध्या अग्रवाल, प्रोफेसर सरोज सिंह और मथुरा की डॉक्टर आरती गुप्ता ने की। हैदराबाद की डॉक्टर सुभाषनी ने सीटीजी मशीन के उपयोग और शिशु की निगरानी पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि सीटीजी जांच को नॉन स्ट्रेस टेस्ट एनएसटीबी कहा जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि आपका शिशु अभी प्रसव के तनाव में नहीं होता और इस प्रक्रिया के दौरान कुछ नहीं होता जिससे शिशु पर तनाव पड़े। टेस्ट के दौरान डॉक्टर शिशु की धड़कन को जांचेंगे। पहले जब शिशु गर्भ में आराम कर रहा है तब धड़कन देखी जाएगी और जब वे हिलडुल रहा है तब धड़कन देखी जाएगी। आगरा ऑब्स्टेट्रिकल सोसाइटी की सेक्रेटरी हूँ। आज हम लोगों ने एक कार्यशाला आयोजित की है जो कि फीटल मॉनिटरिंग के ऊपर है, क्योंकि आजकल के समय में बच्चियाँ काफ़ी देर से शादी करती हैं, गर्भधारण लेट होता है, इसके अलावा खान पान में बदलाव की वजह से शुगर, ब्लड प्रेशर की बीमारियाँ, बच्चे की ग्रोथ कम होना, ये सब काफ़ी देखने को मिलते हैं। तो ये सबको हम लोग हाई रिस्क प्रेगनेंसी कहते हैं। इन पेशेंट्स में हम लोगों को फीटल मॉनिटरिंग की अत्यधिक आवश्यकता होती है, जिससे हम समय रहते बच्चे के में होने वाली कोई भी परेशानी को जांच सके और उसका उपचार कर सके। इसी पर एक कार्यशाला है, इसके लिए हमारे यहाँ से दो हैदराबाद से फर्नांडिस हॉस्पिटल से दो फैकल्टीज आई हैं, डॉक्टर शैलजा एंड डॉक्टर सुभाषनी, जो इसके बारे में पूरा प्रकाश डाले रहे। जो आगरा स्त्री रोग विशेषज्ञों की संस्था है उसके द्वारा एक कार्यशाला आयोजित की गई है यहाँ, जो फर्नांडिस हॉस्पिटल के डॉक्टर्स हैदराबाद से आए हैं बताने के लिए कि गर्भ में जब बच्चा हो या प्रसव के दौरान बच्चा हो तो मशीन द्वारा जो उसकी बच्चे की ईसीजी निकाली जाती है और दर्द के साथ वो ईसीजी किस तरह से बिहेव करता है जिससे कि प्रसव दौरान बच्चे को कोई खतरा ना हो, वो सीटीजी कहते हैं, कार्डियो टोकोग्राफी या एनएसटी टेस्ट या लेबर मॉनिटरिंग टेस्ट। तो ये टेस्ट बहुत जरूरी है हर गर्भवती महिला को। जब भर्ती होने जाती है तो उसको हम एडमिशन के टाइम पे 20 मिनट की एक रिकॉर्डिंग करते हैं, तो उसको हम एडमिशन टेस्ट बोलते हैं। उससे हमें ये पता लग जाता है कि अगले 8 घंटे प्रसव के दौरान उस बच्चे को दर्द सहने की शक्ति है। सो ये कार्डियो टोकोग्राफी के बारे में सभी स्त्रियों विशेषज्ञों को जानना बहुत जरूरी है और ये बहुत सिंपल छोटी सी मशीन है जो जिसके द्वारा ये मॉनिटरिंग की जाती है और हम लोग सभी को इसके बारे में जानना बहुत जरूरी है।
सचिव डॉक्टर सविता त्यागी ने बताया कि गर्भवती महिलाओं में डायबिटीज और ब्लड प्रेशर एक बड़ी समस्या बनकर उभरी है। इन्हें नियंत्रित करना बेहद जरूरी है। वहीं पीसीओडी किशोरियों को चपेट में ले रहा है, आगे जाकर इससे गर्भधारण में समस्या आती है और गर्भधारण के बाद भी कई समस्याएं सामने आती हैं। अच्छे खान पान से इन रोगों से बचा जा सकता है। दूसरे सत्र की अध्यक्षता डॉक्टर मुकेश चंद्र, डॉक्टर मधु राजपाल, डॉक्टर वर्तिका किशोर ने की। संचालन डॉक्टर परशर और डॉक्टर सोनल अग्रवाल ने किया।